नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी केस में भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। इसी मामले में कोर्ट ने पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया। केस में लालू समेत 31 आरोपी थे। चारा घोटाले के 6 केस में से अब तक 4 पर फैसला है और इनमें से चारों केसेस में लालू यादव को दोषी ठहराया गया है। चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी केस में भी लालू यादव का कसूर तय हो गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने माना है कि लालू 3,13,00,000 की घूसखोरी में शामिल रहे हैं। लालू पर दर्ज 6 मामलों में ये चौथा मामला है जिसमें फैसला आया है। चारों मामलों में लालू यादव को दोषी ठहराया गया है। अजब है नरेंद्र मोदी, आई नीतीश का मेल, अजब है खेल, और फिर उसे दोबारे हो गया जगन्नाथ मिश्र रिहा और लालू यादव को जेल, एक आदमी के जेल, एक आदमी के बेल, यही है नरेंद्र मोदी का खेल। अब जरा चारा घोटाले और दुमका ट्रेजरी केस को समझिए। इसका इतिहास लगभग 25 साल पुराना है। जनवरी 1996 में करीब 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला पहली बार सामने आया था। चारा सप्लाई के नाम पर सरकारी ट्रेजरी से ऐसी कंपनियों को फंड जारी हुआ जो कहीं थी ही नहीं। आरोप है कि दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच गैर कानूनी तरीके से ट्रेजरी से 3,76,00,000 रुपए निकाले गए। 2 अप्रैल 1996 को खुद लालू यादव ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तब वो अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल 1996 को 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 11 मई 2000 को पहली बार इस मामले में चार्जशीट दायर की गई। लालू जी दोषी पाए गए और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बरी किए गए। बाकी 8 लोगों को रिहा किया गया और शेष बचे लोगों को दोषी पाया गया। लालू 2 मामलों में पहले ही सजा काट रहे हैं और इन दिनों बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। पहला मामला है देवघर ट्रेजरी केस। इस मामले में लालू समेत 16 आरोपियों को 6 जनवरी 2017 को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू यादव पर 10,00,000 का जुर्माना अलग से लगाया गया था। दूसरा मामला है चाईबासा ट्रेजरी केस। इस मामले में 24 जनवरी 2018 को लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। चौथे फैसले से पहले ही लालू यादव की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें रांची के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें अस्पताल से सीधे अदालत लाया गया। उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और रघुवंश प्रसाद समेत आरजेडी के कई बड़े नेता इस फैसले के लिए पहले ही रांची पहुंच गए थे। लालू यादव और चारा घोटाले ने बिहार की पूरी राजनीति बदल डाली थी। 1997 में उन्हें पहली बार हिरासत में लिया गया था, तब वो 137 दिन जेल में रहे थे। इसके पहले राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। 12 दिसंबर 1997 को लालू रिहा हुए और तभी से वो जमानत पर चल रहे थे। लेकिन चाईबासा ट्रेजरी केस में गबन का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 2013 में 2 महीने रांची जेल में फिर से गुजारने पड़े। अभी डोरंडा ट्रेजरी केस और भागलपुर ट्रेजरी केस का फैसला बाकी है। आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।